आदमी कहता है मैं हुक्म देता हूं कि 20 थान कपड़ा भेज दो, तो 20 थान कपड़ा जाएगा कि 10 थान जाएगा, बोलो। अरे उसके मालिक के वली का कहना चलेगा कि गैर का कहना चलेगा? मालिक के वली का। तो ये तो चंद लूम का मालिक था, और मान लो कोई मालिक इतना बड़ा हो कि मालिक हो पूरे आसमान का, मालिक हो पूरी जमीन का, मालिक हो आसमान के एक एक तारे का, और मालिक हो दरिया के एक एक कतरे का, दरिया के कतरे पर उसके वली का हुक्म चलेगा या गैर का चलेगा? तो अल्लाह मालिक था, खाजा उसके वली थे, लिहाजा जब चाहा लोटे में आना सागर को उठेल दिया, दरिया को कचरा बना दिया, तब जब चाहा कचरे को दरिया बना दिया। ये अल्लाह के वलियों की मंजिल है। तो एक बात और समझो जरूर शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आखिरी टुकड़ा, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तबीयत का है, सीना कमजोर है, बहुत कमजोर है, डॉक्टरों ने बोलने को मना किया, आज मैं आने वाला नहीं था, डॉक्टरों का फोन पे फोन था, आप ना बोलिए, सीना कमजोर है, मगर आप लोगों की मोहब्बत और चाहत, ये हमारे मुसद्दिक भाई हमारे भांजे को भेज दिया, हम लेटे हुए थे कि जाना नहीं है, हमने अपने भाई सुहेल मियाँ को भेज दिया है, वो बोल रहे हैं काफी है सलाम हो जाएगा, मगर ये लेकर के चले आए तो बैठ गए। एक बात सुनो, अल्लाह कहता है मेरे वली को कोई खौफ नहीं है, दुनिया को हश्र के मैदान का बड़ा खौफ, बात समझ रहे हो कि नहीं जी, मगर अल्लाह के वली को वहां भी खौफ नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक अहले महशर को खौफ होगा, अल्लाह वाले को खौफ नहीं होगा, इसलिए कि शफाअत इसके ऊपर फर्ज नहीं है, ये तो ठाट के साथ रसूल के रिदाए जुबरानी के साए में आराम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और एक बात और सुनो कि लोग मैदान मीजान अदालत पर अपना हिसाब देने के लिए जाएंगे, अहले महशर क्या करेंगे, हिसाब देने के लिए जाएंगे, और ये अल्लाह वाले हश्र के मैदान में मीजान अदालत पर अपना हिसाब देने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि अपना हिसाब लेने के लिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजब मामला, महशर वाले परेशान हैं, परेशान नहीं, नफसी नफसी पड़ी होगी, अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, गैर के पास जाए। और आलम ये है अल्लाह के इन वलियों का, ये हिसाब देने के लिए नहीं जाएंगे, हिसाब लेने के, ये मामला हिसाब देने का और हिसाब लेने का क्या है? अब तुम लोग तो सब के सब ताजिर हो भाई, एक बात सुनो, मालिक ने 1000 रुपया अपने किसी को दिया कि लो ये 1000 रुपया जाओ बाजार से ये लिया, ये लिया, तो वो 1000 के बाद 900 का सामान लाया तो कितना बचा? 100 बचा। तो वो अपना हिसाब मालिक को देने के लिए जाएगा, जितना बढ़ेगा वो नहीं देगा मालिक को, तो वो तो हिसाब देने के लिए जाएगा। और मान लो कि मालिक ने 1 लाख रुपया एक शख्स को दिया कि जाओ इसे ले जाओ मेरी जरूरत के लिए, तो बजाय 1 लाख के वहां 1.5 लाख खर्च हो गया, 50,000 इसका और 1 लाख मालिक वाला, तो कितना हुआ? 1.5 लाख हुआ ना, तो जब 1.5 लाख खर्च हो गया, 50,000 इसका खर्च हुआ, तो अब ये हिसाब अपना देने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि अपना हिसाब बढ़ा हुआ
لینے کے لیے آئے گا. سوال لا سوال تو سب میزانی عدالت پہ کھڑی ہوگی, جناب صدیق اکبر بھی ہوں گے کہ نبی نے ایک دفعہ حکم دے دیا تھا کہ صدقہ کرو تو جھاڑو دے کر کے سب سامان ایک چادر میں لے کے آئے نبی کی بارگاہ میں. تو رسول نے پوچھا صدیق یہ کیا ہے؟ کہا میرے لیے میری طرف سے صدقے کا مال ہے, آپ نے فرمایا تھا نا تو میں صدقے کا مال لایا. کہا یہ بتاؤ کہ گھر پہ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا گھر میں جتنا اثاثہ تھا جھاڑو لے کر کے صاف کر کے سب لے کر کے آیا ہوں, اور اپنے گھر پہ بچوں کے لیے خدا اور اس کے رسول کو چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. اب آخری جملہ سنو کے بعد سلام. تو یہ حساب دینے کے لیے نہیں جائیں گے, اپنا حساب اسی سب میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی ہوں گے, سبحان اللہ آئے ہائے ہائے, ہمارے جدے بزرگوار بھی ہوں گے کھڑے میزانی عدالت پر. کیوں کھڑے ہوں گے؟ یہ حساب دینے کے لیے نہیں جائیں گے, اپنا حساب لینے کے لیے جائیں گے کہ اے پروردگار عالم تو نے 40 میں 1 روپیہ نکالنے کو کہا تھا اور میں نے سمنان کی ساری حکومت تیرے نام پہ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آج حساب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں, اپنا حساب لینے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حکم الہی ہوگا کیا چاہتے ہو؟ ارشاد ہوگا بس اتنا چاہتا ہوں کہ باب جنت کھل جائے اور اپنے چاہنے والوں کو لے کر کے مقدوم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. حساب دینے کے لیے جائیں گے اللہ والے, یہ اپنا حساب لینے کے لیے. سبحان اللہ کھڑے ہو جاؤ. سلام رسول اللہ.